हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2020 के ऊपर, जिसके अंतर्गत दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे थे, तो मेरे को यह वीडियो लाना पड़ा। और हाँ जी फ्रेंड्स, आप लोग एक बिग मिस्टेक्स ना करें, मैं इससे भी आपको अलर्ट करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आखिरकार बहुत से कैंडिडेट क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं और क्या कर देते हैं जिसकी वजह से उनको बाहर आउट होना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो के बाजू में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और हर एक चीज को देखते हैं वन बाय वन करके। हाँ तो गाइज, आप देख पा रहे हो कि हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में और बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि आप लोगों की डिमांड्स आ रही थी कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कागजात लगेंगे, तो प्लीज एक वीडियो प्रोवाइड कराइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पीईटी एंड आपका जो डीबी होगा उन दोनों के लिए यूजफुल है, उन दोनों में ही लगेंगे। अब पीईटी का मतलब आपका जो फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होने वाला है, मतलब कि फिजिकल होने वाला है, और आपका डीबी मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, इन दोनों में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स काम आने वाले हैं, आपका पीईटी एंड आपका क्या डीबी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ बेहद ध्यान से सुनना, क्योंकि एक भी यदि आप मिस कर दोगे तो विश्वास मानिए आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर लेंगे और आपको बाद में इसका बहुत पछतावा होगा। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात आती है, क्या आपका फर्स्ट आता है वैध पहचान पत्र। जी हाँ दोस्तों, वैध पहचान पत्र, वो भी कैसा, फोटो युक्त, मतलब कि आपकी फोटो उसमें होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अब फोटो होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के चल जाते हैं जो कि लास्ट ईयर में अभी तक मांगे गए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो क्या, पहली बात तो है वैध पहचान पत्र के रूप में फ्रेंड्स, आप लोगों का आधार कार्ड, जो कि आजकल हर किसी पर्सन के पास रहता है, आधार कार्ड हो तो चल जाएगा। एंड इसके साथ साथ क्या, इसके साथ साथ दोस्तों आपका या तो मतदाता पहचान पत्र हो वो भी चल जाएगा, मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो भी चल जाएगा। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो दोस्तों फिर दोस्तों आप लोगों के चांस बहुत कम हो जाते हैं, हालांकि इन सभी चीजें में से कोई ना कोई एक न एक आपके पास रहती है। यदि नहीं है तो प्लीज इनको बनवाने की पूरी पूरी कोशिश करें। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या मांगा जाता है आपके फिजिकल या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो दोस्तों, वो है क्या आपका जो मार्कशीट वगैरह हुआ, जैसे कि आपका मैट्रिक का या फिर इंटरमीडिएट का। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों का मार्कशीट मांगा जाएगा, इसका सर्टिफिकेट भी, दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट का क्या है, जो उसने लगाया हो आपके एप्लीकेशन के वक्त, तो वो इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है। मतलब कि यदि आपने टेंथ बेसिस पे लगाया है तो दोस्तों वो जरूर इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यदि आपने इंटरमीडिएट वगैरह लगाया है तो दोस्तों वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहने का मतलब, आपने जो जो सर्टिफिकेट्स एप्लीकेशन के वक्त लगाए थे वो सारे यहाँ पर कंपलसरी हैं, जरूरी रहते हैं, है ना। तो दोस्तों, ये तो हुआ आपका क्या, मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट का आप लोगों को सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा तैयार। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या लगता है। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं नंबर तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा। तो दोस्तों, नंबर तीसरा डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा क्या, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर यूं बोले कि जाति प्रमाण पत्र। आप दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र लगेगा तो आप लोगों के पास होना अनिवार्य है, लेकिन आपको बता दूं, जो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर यूं कहें कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि उनका नहीं भी रहता तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी तक देखा गया और ऐसा होता भी है, कॉस्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता हम एक प्रकार से तभी महसूस करते हैं जब आपको किसी प्रकार का आरक्षण मिल रहा हो। चूंकि यूआर वालों को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता है तो दोस्तों उन लोगों को यहाँ पर जरूरी नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर बनाकर रखें क्या, जाति प्रमाण पत्र। ओके, नंबर तीसरा आपका जय सर्टिफिकेट रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र।
हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात करते हैं नंबर पांचवी पे, आपका कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या फिर आपके जो फिजिकल होता है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका जो DOB होता है मतलब कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र, अच्छे से सुन लेना, आपका जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो प्लीज आप इसको बनवा के रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, तो आपका चौथा हो गया। अब हम देखते हैं पांचवें नंबर पे कौन सा कागजात आपका मांगा जाता है, दस्तावेज मांगा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं क्या नंबर फाइव पे आपका जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोस्तों यदि आप पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जो आपका नॉन क्रीमीलेयर सर्टिफिकेट होता है वो लगाना आवश्यक रहता है। यदि आप सह जा क्रेमिलियर में नहीं आते हैं दोस्तों, जाति सह क्रेमिलियर में नहीं आते हैं, तो आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है और वहां पे मांगा भी जाता है इससे संबंधित सर्टिफिकेट। तो दोस्तों यदि आप पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए और आपका लगेगा भी, है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर छठवें पे कौन से डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं नंबर सिक्स पे वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके DB या फिर PT में मांगा जाएगा। तो दोस्तों उसका नाम है क्या, डोमेसियल सर्टिफिकेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार राज्य से संबंधित आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना होगा, इसी का मतलब है डोमेसियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो कि बिल्कुल मांगा ही जाता है। आपके पास नहीं है तो आप इसकी बनवाने की कोशिश करें। ओके, तो फ्रेंड्स नंबर छठवा हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि आखिरकार नंबर सातवे पे कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं नंबर सातवे पे आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। दोस्तों आप यदि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित आप कोई पोता है, पोती है या फिर नाती है, नातिन है, यदि आपके जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं फादर वगैरह कुछ या फिर ग्रैंडफादर जो कोई भी रहा हो, आप उनके पोता पोती नाती नातिन लगते हैं, तो दोस्तों आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना चाहिए और मांगा जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों यही है, यदि आप बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाते नाती आदि हैं तो आपको इसका प्रमाण पत्र बाकायदा मांगा जाएगा और आपके पास होना चाहिए। ओके, तो हमने नंबर सातवें पे देख लिया। अब हम देख लेते हैं नंबर आठ जो कि लास्ट डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाएगा। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में जो कि लास्ट है और आपका लास्ट ही डॉक्यूमेंट्स है। दोस्तों क्या डॉक्यूमेंट्स नंबर एट, बिहार राज्य के गृह रक्षक संबंधी प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, यदि हो तब, नहीं है तो फिर कहाँ का, यदि आप हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और वहां पर मांगा भी जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वन बाय वन करके हर एक डॉक्यूमेंट्स को देख लिया है कि आखिरकार आप लोगों के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद यदि आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई डाउट्स आ रहा है किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट से संबंधित, कोई मिस्टेक्स वगैरह, तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, हम उसके बारे में रिप्लाई आपको जरूर से जरूर देंगे। अब फ्रेंड्स लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने यहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट्स को देखा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अब दोस्तों आप बिग मिस्टेक्स क्या ना करें जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप वो सुन लीजिए। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि यह गलती मत करना। गलती क्या है दोस्तों, गलती कुछ नहीं, आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है। फ्रेंड्स किसी किसी कैंडिडेट को क्या भ्रम रहता है कि जो आपकी मार्कशीट वगैरह रहती हैं, जैसा कि मैंने आपका बोला था मैट्रिक और इंटरमीडिएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, तो दोस्तों आपकी मार्कशीट एक अलग होती है, जैसे कि अभी लास्ट कैंडिडेट के रिव्यू से पाया गया था और मांगते भी हैं, और इसका सर्टिफिकेट अलग होता है माइग्रेशन। तो दोस्तों ये दोनों चीजें आप अवेलेबल रखें, यदि आपका नहीं है तो वहां पे मांगा जाएगा। मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, कंफ्यूज ना हो। तो यदि आपके पास नहीं है तो आप अभी प्लीज इसके लिए कुछ करें, नहीं तो दोस्तों आपको वहां पर लास्ट मोमेंट में जाके बहुत ज्यादा पछतावा होगा, इसलिए पहले यह नोट कर लें। और दूसरी बात यह है दोस्तों, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं और यदि आप बनवाने के लायक है, मतलब कि जैसे जैसे मैंने बताया है, तो प्लीज आपका जो एग्जाम आने वाला है फिजिकल या फिर आपका DB, इसके पहले पहले आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के रखना है। जी हाँ दोस्तों, ऑल डॉक्यूमेंट्स, आप उस टाइम के लिए बिल्कुल नहीं बैठ सकते,
क्योंकि यदि आप उस टाइम के लिए बैठेंगे तो ऐसी चीजें नहीं हैं कि आपने आज अप्लाई किया सुबह और आपको शाम तक मिल जाए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो 10 दिन भी ले लेती हैं, 5 दिन भी ले लेती हैं और 15 दिन भी ले लेती हैं। तो प्लीज सभी से बिग रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स यदि इनकम्प्लीट हैं तो आप उनको कंप्लीट कर लें, ताकि आपको एन मौके पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, किसी भी प्रकार का आपको पछतावा ना हो। आप अपनी तैयारी फुल रखें। और बात आपके फिजिकल की है तो दोस्तों आज मोदी जी खुद बयान दे रहे हैं फिर से क्या होने वाला है, देखते हैं लॉकडाउन कितना बढ़ रहा है। सब कुछ आपके लॉकडाउन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कितने टाइम तक आ सकता है, आपका फिजिकल कब होगा, आपका डीवी कब होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो जो बातें बताई हैं प्लीज उन सभी को फॉलो करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर करते जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।